Morning, student. Again, today we will start in matrix dependence and independence of vectors. In the yesterday class, we see also what is the definition of linear dependence and independence of vector. Now also we see the working procedure to solve or to check it out whether the vectors are linear dependent or not. So keeping in mind those things, today we will solve again the more problem on the same topic. Just like determine the linear dependence of vectors, comma, verify whether the following vectors are linearly dependent. If so, find the relation between them. तो मैं यहाँ पर ये करना है कि vectors दिए गए हैं चार vectors, उसको हमें check करना है linearly dependent है क्या. अगर होगा तो मीन डिपेंडेंट इज वॉट, अगर है तो हमें उन वैक्टर्स के बीच में ये वैक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिंपल सा आप स्टार्ट वैसे ही करेंगे प्रोसीजर के हिसाब से. ये पहले हम लोग वैक्टर्स लिख लेते हैं एक्स वन इज इक्वल टू वन टू फोर, दूसरा वैक्टर ले रहे हैं एक्स टू इज इक्वल टू टू माइनस वन थ्री, एक्स थ्री इज इक्वल टू फैक्टर जीरो वन टू, एक्स फोर इज इक्वल टू फैक्टर माइनस थ्री सेवन एंड टू. ओके, आप दूसरा स्टेप क्या है कि हर एक का पहला डिजिट आपको लेना है और पहला डिजिट सर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर एंड ये चार फैक्टर्स हम इसके लिए चार स्केलर्स कंसीडर कर लें, अल्फा वन अल्फा टू alpha 3 and alpha 4 are 4 scalars, say 4 scalars for the given 4 vectors. 4 vectors are 4 scalars of plane. A vector scalar ka combination banate. Let alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 plus alpha 4 x4 is equal to 0. इसको कॉल कर सकते हैं इक्वेशन नंबर वन. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है. तो फिर से बैक उसी को जाते हैं, इसके साथ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर इस तरह से हम लोग लिख लेंगे. तो आपको क्या आने वाला है, देखिए आगे वन इंटू अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू प्लस जीरो अल्फा थ्री प्लस माइनस थ्री अल्फा फोर इज इक्वल टू जीरो. ये फर्स्ट इक्वेशन होगा. सेकेंड इक्वेशन में बस ये डिजिट पकड़ लें, टू अल्फा वन प्लस माइनस वन अल्फा टू प्लस वन अल्फा थ्री प्लस सेवन अल्फा फोर. इस तरीके से टू अल्फा वन प्लस माइनस वन अल्फा टू प्लस वन अल्फा थ्री प्लस सेवन अल्फा फोर इक्वल टू जीरो. तीसरा पकड़ लें फोर थ्री टू टू, तो फोर अल्फा वन प्लस थ्री अल्फा टू प्लस टू अल्फा थ्री प्लस टू अल्फा फोर इज इक्वल टू जीरो. अब देखो यहाँ पर कितने इक्वेशंस हैं, हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो अननोन्स हैं मतलब स्केलर्स हैं, तो वन टू थ्री फोर चार स्केलर्स हमारे पास है, इक्वेशंस हमारे पास तीन है. ठीक है, चार इक्वेशन और इक्वेशन हमारे पास तीन. तब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा आप क्या करेंगे कि चार स्केलर्स हैं तो चार स्केलर में इक्वेशन तीन ही लगेगी. आपको इन्होंने बताया था इसके पहले भी कि जितने स्केलर्स रहते हैं उससे एक कम जो है इक्वेशन आपको लगती है. चार स्केलर चार अननोन है तो इक्वेशन के एक कम कर दीजिए, नहीं तीन इक्वेशन आपको लगेगी. यहाँ पर तीन इक्वेशन ही दिए तो तीनों इक्वेशन का भी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें सिंपल सा एक फंडा हम लोग लगा रहे हैं कि अल्फा वन सीधा सा है, बहुत ही सिंपल है कि इसमें कैसे करेंगे आप तीन इक्वेशन में यूज करना है. अल्फा वन तो यहाँ पर ले लेती हूँ बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल अल्फा वन अपॉन. ठीक है, ओके अल्फा वन अपॉन थोड़ा सा इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरी लाइन में, इसको बता दें
doing a bi-dimensional zoom using Kramer's rule. Alpha 1 upon, पहले लिखे हमने अल्फा वन अपॉन, देखो जैसे ही अल्फा वन लिखा आप इसको कैंसिल कर दो, अल्फा वन ये जो कॉलम है आपका इसको आपको हाइड करना होगा, इस तरह हाइड कर दीजिए। अब जो दिख रहे हैं अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, उनके कोएफिशिएंट्स सारे एंटर करना है, टू जीरो माइनस थ्री माइनस वन वन सेवन थ्री टू टू, इस तरीके से ठीक है। डिटरमिनेंट थ्री बाय थ्री का आएगा, तीन इक्वेशन है तो आपका टू जीरो माइनस थ्री टू जीरो माइनस थ्री, ठीक है, माइनस वन वन सेवन माइनस वन वन सेवन थ्री टू टू थ्री टू टू इज इक्वल माइनस के साथ अल्फा टू एंटर करो, तो इसे भी अल्फा टू लिया तो आपको अल्फा टू को हाइड कर देना है, अल्फा टू हाइड आपका, तो आपके पास क्या बचा है अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा फोर, तो वन टू फोर इस तरह से एंटर कर सकते हैं, वन टू फोर ऐसा वन टू फोर, फिर हम इसी को हाइड करना आगे जाते हैं, जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो वन टू, इसको हाइड किया फिर से माइनस थ्री सेवन टू माइनस थ्री सेवन टू, फिर इसके बाद आप अल्फा थ्री एंटर करो, कौन से डिटरमिनेंट आएगा अल्फा थ्री, फिर से इस तरह से हाइड करो अल्फा थ्री, तो आएगा वन टू फोर, इस तरह से लिख लो वन टू फोर पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम टू माइनस वन थ्री टू माइनस वन थ्री, तीसरा कॉलम माइनस थ्री सेवन टू माइनस थ्री सेवन टू, अल्फा फोर, अल्फा फोर के साइड में वो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अल्फा फोर हाइड कर लो, सिंपल है ये वन टू फोर वन टू फोर डिटरमिनेंट के अंदर टू माइनस वन थ्री टू माइनस वन थ्री जीरो वन टू जीरो वन टू, ये हो गया हमारे क्रैमर्स रूल इक्वेशंस का यूटिलाइज करते ठीक है। बच्चों वन टू जीरो टू माइनस वन वन फोर थ्री टू ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री का मेथड किस तरह से, तो ये अल्फा वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री कैसे सॉल्व करते हैं, पहला नंबर एंटर कर लो ठीक है, एंटर करने के बाद ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये कॉलम ये रो जब चला जाता है अभी क्या बचता है, ये इस तरह से कर लो सीधा सीधा, ये कॉलम ये रो गया तो क्या बचा वन सेवन टू टू, अगर आपको नहीं आता तो इस तरह से कर सकते हैं माइनस जीरो, फिर जीरो जब मैंने जीरो लिया तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, पर जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है हमारे पास, ये जीरो लिया था ये कॉलम लिया था वन माइनस वन सेवन थ्री टू माइनस वन सेवन थ्री टू, ये सर इजी, मैं ज्यादा इंटरेस्ट करके बता रही हूँ उनको कि प्लस माइनस थ्री, अब माइनस थ्री माइनस थ्री लिखेंगे हम लोग ठीक है। अब थ्री आया तो ये फर्स्ट और सेकेंड कॉलम लिया था, माइनस क्या बचा आपके पास माइनस वन वन थ्री टू, ये बचा ये फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया ठीक, डायरेक्टली थोड़ा सा कर पाएंगे आप माइनस अल्फा टू अपॉन, ये कोई शुरू कर सकते हैं वन लिया ठीक है, वन लिया जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया तो चार एलिमेंट आपके पास बचे वन सेवन टू टू, ये सर फिर माइनस जीरो के साथ एंटर करें ये और ये चल गया टू सेवन फोर टू टू सेवन फोर टू, उसके बाद तीसरा नंबर प्लस के साथ हमें एंटर करना होता है माइनस एंटर आता ठीक है ओके। यहाँ जैसे ही फिंगर रखते हैं हम लोग तो इसका रो कॉलम गया तो टू वन फोर टू वन फोर टू ठीक है, तो हमारे पास दो ही गए हैं माइनस अल्फा टू, उसके बाद हम लोग अल्फा थ्री का लेंगे, देखो अभी स्पेस ही इसे मैं नीचे लिख दूँ इज इक्वल टू अल्फा थ्री अपॉन ठीक है, अल्फा थ्री अल्फा थ्री में वन ठीक है, वन के वन के वन मॉड लिखती है ऐसे ही वन लिखे रो कॉलम गया तो माइनस वन सेवन थ्री टू, उसके बाद माइनस टू एंटर किए, इसको एंटर किए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया टू सेवन फोर टू टू सेवन सॉरी फोर टू, उसके बाद जस्ट माइनस प्लस
We see minus 3 centers here. Determinant. First row, third column here. 2 minus 1, 4, 3. 2 minus 1, 4, 3. Alpha 4 bacha aapke paas. So minus alpha 4, 4. Isme bhi aise solve karenge. 1 likh diya pehle. First row, first column here. So minus 1, 1, 3, 2. Then minus 2. Determinant. First row, second column here. 2, 1, 4, 2. 2, 1, 4, 2. So plus 0. So 0 se aayega pura 0. यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला जीरो ही होगा, ठीक है? ओके, ये सिर्फ कंटिन्यूएशन में एक्चुअली है, सो अल्फा वन अपॉन सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, पर टू इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये सब में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? तो टू ब्रैकेट टू वन जो टू माइनस फोर्टीन, ये तो जीरो नहीं जीरो हो जाएगा, प्रॉब्लम ही है, प्लस माइनस थ्री, ये माइनस थ्री हो गया, तो ब्रैकेट डालेंगे माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री, ये पहला सॉल्व हो गया, माइनस अल्फा टू डिवाइडेड बाय वन इंटू सेवन, वन से दो ही आएगा अभी, तो टू टू माइनस फोर्टीन, टू माइनस फोर्टीन पहला, जीरो से तो जीरो होगा, फिर माइनस थ्री टाइम्स 2 टू ज यहाँ पर 2 टू ज 4 माइनस 4, दिस इज 4 माइनस 4, ये सेकेंड से सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, अब थर्ड की तरफ जाते हैं, अल्फा 3 बार, ये वन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस 2 माइनस 21, माइनस 2 माइनस 21, ये हो गए, फिर आगे जाते हैं माइनस टू मल्टीप्लाई फोर फोर माइनस दिस इज फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 इसके बाद माइनस थ्री इंटू सिक्स प्लस फोर सिक्स प्लस फोर के साथ टू जो सिक्स और माइनस वन प्लस करता है इज इक्वल टू अल्फा फोर मैं नीचे लिख लेती हूँ इसको माइनस अल्फा फोर फॉर सिंपल माइनस टू माइनस थ्री फिर माइनस टू इंटू टू टू जो फोर फिर से फोर माइनस फोर फिर प्लस जीरो तो जीरो तो जीरो ही आएगा इस तरह से ठीक है थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आगे जाकर देखो आगे से सॉल्व करोगे ये स्टडी चाहिए ये अल्फा वन अपॉन थ्री ये जगह फोर्टीन ओके ये तो जीरो है तो प्रॉब्लम नहीं है अपन तो ये फोर्टीन में से टू माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर ये माइनस ट्वेंटी फोर बना और फिर ये माइनस टू माइनस माइनस फाइव तो माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव आएगा प्लस फिफ्टीन ये हो गया आपका फिफ्टीन नंबर थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना माइनस अल्फा टू अपॉन ये आ गया माइनस ट्वेल्व हो गया और ये फोर फोर जीरो तो ये भी जीरो हो गया था अब लिखने की जरूरत नहीं है ये सब आ गया अल्फा थ्री अपॉन यहाँ पर क्या लिखा आपको ट्वेंटी वन और माइनस टू माइनस ट्वेंटी थ्री ये हो गया आपका माइनस ये माइनस ट्वेंटी फोर ये आपका माइनस ट्वेंटी फोर बचा है फिर माइनस में टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू से 48 बनेगा 48 पॉजिटिव फिर माइनस थ्री 30 बन जाएगा माइनस 30 आपका इज इक्वल टू अल्फा फोर अपॉन माइनस सॉरी अल्फा फोर अपॉन आपके पास क्या बचा देखो ये तो जीरो हो गया फोर माइनस फोर ये होगा माइनस फाइव से ठीक है अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं इसके अंदर ठीक है ये अल्फा वन डिवाइडेड बाय ओके माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन
आपके पास बचेगा 9 तो माइनस 9 बचा माइनस माइनस चला गया यहाँ से ट्वेल्व नंबर इक्वल टू अल्फा 3 फॉर्म देखो यहाँ पर 0 3 3 और 3 टू 5 माइनस 53 48 इसमें से माइनस कर दो तो 48 आपके पास कितने बचे 5 बचेगा 5 यानी माइनस 5 माइनस इज इक्वल टू माइनस करने से यहाँ चला गया यहाँ पर देगा आपका 5 तो ये हो गया सिंपलीफाइड फॉर्म है ना यानी ये वैल्यूज आपके पास आ गए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 ठीक है तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस 9 अल्फा 2 इज इक्वल टू नंबर अल्फा 3 इज माइनस 5 एंड अल्फा 4 इज 5 अब ये वैल्यू सही है नहीं वो आप चेक कर लेना इक्वेशंस में डाल करके ये एक्चुअली वैल्यूज में पहले प्रॉब्लम में सिखाया था किस तरह से चेक करते हैं सही है अभी तो ये वैल्यूज जो है नॉन जीरो वैल्यूज है तो आपका सेंस ऑल आर नॉन जीरो वैल्यूज सेंस ऑन स्केलर्स आर नॉन जीरो स्केलर आर नॉट ऑल जीरो नॉट ऑल जीरो या नॉन जीरो से बोल सकते हैं नॉन जीरो So vectors would be LD. So the vectors would be linearly dependent. Linearly dependent. हमें देखा था relation जिसने बताया था alpha one x one. अभी line को वापस आते हैं जहाँ हमने देखा था equation number one. Alpha one x one plus alpha two x two plus alpha three x three प्लस अल्फा 4 एक्स 4 इज इक्वल टू 0 इस लाइन में हमें क्या करना है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यूज डालना है सो अल्फा 1 हमारा माइनस 9 है अल्फा 2 इज 12 अल्फा 3 माइनस 5 एंड अल्फा 4 इज 5 ठीक है हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में लेंगे माइनस 9 एक्स 1 12 एक्स 2 माइनस 5x3 plus 5x4 is equal to 0. So in this way we solved the question on the dependence and independence of factors. तो हमने देखा है क्वेश्चन में कि स्पेशल थिंग क्या थी यहाँ पर 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू निकालने के लिए 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट इस वजह से सॉल्व किया था ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो